हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 3। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन पॉपुलेशन। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द इफेक्ट, मतलब ब्रिटिश शासन का हमारे भारत में क्या प्रभाव पड़ा। सिंस 1600 AD टू 1757 AD ट्रेड वॉज द मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश एंड दे सोल्ड इंडियन गुड्स एट हायर प्राइस इन फॉरेन मार्केट। After Battle of Plassey and Battle of Buxar, they started collecting tax from Odisha, Bihar and Bengal, और उस समय land revenue से income का सबसे main source था ruler के लिए, and English people ने भी captured किया और same अपने earning के लिए। Now our next point is agriculture policy of Britishers. ब्रिटिश अप्लाइड द सेम मेथड ऑफ टैक्सेशन एंड देन कुछ समय बाद उन्होंने डिफरेंट पॉलिसी को अडॉप्ट किया अपना अमाउंट को सेफ रखने के लिए, और हर इंडिया के स्टेट्स के लिए पॉलिसी अलग अलग यूज़ किया। लेकिन उस समय जो सेटलमेंट का मेन इश्यू था वो ज़मींदारी, रियात वारी एंड महल वारी सिस्टम। इन अर्लियर पीरियड में ब्रिटिश अपने रिवेन्यू का कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करवाते थे, जो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द रिवेन्यू कलेक्ट करके लाता उसी को उन लोग कॉन्ट्रैक्ट देते थे। और कुछ समय बाद द पॉलिसी ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन चेंज्ड फ्रीक्वेंटली। द फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस्ड अ रिवेन्यू सिस्टम इन द स्टेट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। वॉज अ पैक्ट मेड विद द जमींदार्स हुज कलेक्टेड रिवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स एंड हैंडेड ओवर अ फिक्स्ड अमाउंट टू द ब्रिटिश। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस्ड किया था रिवेन्यू सिस्टम बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, जो परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाना गया। और ये जमींदारी पर इम्पैक्ट हुआ, और ये कलेक्टेड रिवेन्यू और पीजेंट्स ये और एक फिक्स्ड अमाउंट को इन लोग एक रखते थे, और वो सारे चीज़ों को ब्रिटिशर को सौंप देते थे। सेकेंड वन इज़ रियातवारी सिस्टम। सर थॉमस मेंड्रो वॉज इंट्रोड्यूस्ड दिस रिवेन्यू सिस्टम। रियातवारी सिस्टम प्रिवेल्ड इन द सदर्न प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसको कौन इंट्रोड्यूस्ड किया था रिवेन्यू सिस्टम को? सर थॉमस मेंड्रो। अंडर दिस सिस्टम कंपनी कलेक्टर रिवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। इस सिस्टम में जो कंपनी है वो सीधे फार्मर से रिवेन्यू अपना कलेक्ट करते थे, बट डिड नॉट प्रोवाइड एनी प्रोप्राइटरी राइट ऑन द कल्टिवेशन लैंड टू द पीजेंट। द टैक्सेस वेयर ऑल्सो वेरी हाई। इसके जो टैक्सेस थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई थे, लेकिन इन लोग ने कल्टिवेटिंग लैंड पीजेंट्स को प्रोप्राइटरी प्रोवाइड नहीं करते थे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज महावारी सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द कंपनी कलेक्टेड टैक्सेस रेमिटेड बाई विलेज हेड्स और हेड्स ऑफ जॉइंट फैमिलीज एंड नॉट फ्रॉम द इंडिविजुअल फार्मर। इस सिस्टम में हम वो कंपनी कलेक्ट करता था टैक्स डायरेक्ट जो विलेज के हेड से था, या तो जॉइंट फैमिली के हेड से था, इंडिविजुअल फार्मर से वो रिवेन्यू कलेक्ट नहीं करता था, टैक्स नहीं कलेक्ट करता था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिवेन्यू कलेक्शन इन छत्तीसगढ़। ब्रिटिश रूल ने छत्तीसगढ़ में लैंड रिवेन्यू कलेक्शन में लॉट ऑफ चेंजेस किया, और छत्तीसगढ़ के लिए अलग अलग पांड्यास और कामविशदार्स का रिवेन्यू कलेक्शन के लिए अमीर्स और पांड्या को रिवेन्यू ऑफिसर्स एज अ अपॉइंट किया। फिर ब्रिटिश ऑफिसर ने पोस्ट ऑफ पटेल, जो मराठा रूल के टाइम से चला आ रहा था, उसको ख़त्म किया और क्रिएटेड अ न्यू पोस्ट। उस पोस्ट का नाम था गौटिया। दे कलेक्टेड रिवेन्यू अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ लैंड, और गवर्नमेंट के ट्रेजरी में वो सारे रिवेन्यू को जाके जमा करवाते थे। ब्रिटिश ने बहुत हाई रेट रिवेन्यू चार्ज करना शुरू किया, लेकिन जो पुअर पीपल थे फार्मर थे वो तो पेट नहीं कर पाते थे इतना ज़्यादा अमाउंट, तो उन लोग ज़मींदार से उधारी लेना शुरू किए, और जब वो नहीं पटा पाते थे तो ज़मींदार उनके ज़मीनों को जब्त कर लेता था। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑन क्राफ्टमैन एंड आर्ट। इंडिया क्राफ्टमैन एंड आर्ट को, इंडियन जो हैं वो क्राफ्टमैन और आर्ट को फोर्स्ड करने के लिए अपना जो सामान है वो सेल करने लगे अपना लो प्राइस में, और उनको लेकिन हैवी चार्जेस वेयर इम्पोज टू पे, तो दे कुड नॉट एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ फॉरेन गुड्स। और अल्टीमेटली जो इंडियन क्राफ्टमैन हैं वो लेफ्ट देयर प्रोफेशंस एंड ड्वेलिंग एंड देयर ड्वेलिंग वेयर रियून, और फिर क्राफ्टमैन वेयर अनएम्प्लॉयड होने लगे, और
वो अनएम्प्लॉयड होने लगे, इसलिए वो फार्मिंग के ऊपर उनको डिपेंड होना पड़ा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑन पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट। ड्यूरिंग इंग्लिश रूल इंडिया में मिल्स फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश होने लगा और रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से आने लगा, जिसके कारण फॉरेस्ट को काट काट के उन लोग सब फॉरेस्ट को ख़त्म करने लगे और वहाँ के जो फॉरेस्ट का सामान है उसको यूज़ करने लगे और डिफॉरेस्टेशन वॉज रैपिड। फिर ट्राइब्स ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट एंड डूइंग झूम एग्रीकल्चर। नाउ द मेजर ट्राइबल रिवॉल्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी एंड द अर्ली 20th सेंचुरी छत्तीसगढ़ सॉ मेनी रिवॉल्ट्स इन द ट्राइबल एरिया। मतलब 18th सेंचुरी से 20th सेंचुरी के बीच में छत्तीसगढ़ में के ट्राइबल एरिया में बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए। द रिवॉल्ट वेयर कॉन्शियस अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ स्टाइल। द कैरेक्टर ऑफ दीज रिवॉल्ट्स आर, मतलब ये सारे जो रिवॉल्ट थे वो ट्राइबल के लाइफ स्टाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए था और इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे वेयर ऑल अगेंस्ट द होर्डिंग ऑफ फील्ड्स विलेज एंड फॉरेस्ट एरिया ऑफ द ट्राइब्स बाई एक्सटर्नल सोर्सेज। दीज रिवॉल्ट वेयर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ट्राइबल लाइफ एंड इट्स कल्चर। द रिवॉल्ट वेयर टूवर्ड द न्यू रूल्स इम्पोज बाय द ब्रिटिश। द ट्राइब्स वॉन्टेड टू कीप अवे फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड द कॉलोनियल रूल दैट डिस्टर्बड देयर ओरिजिनल लाइफ। तो इन ये सारे रिवॉल्ट्स क्यों बनाए गए, ताकि हाँ वो ट्राइबल के लाइफ को उनका और उनके जो कल्चर्स हैं उसको बचा सकें ख़त्म होने से। और जो भी ब्रिटिश द रिवॉल्ट्स ऑल्सो न्यू रूल्स जो इम्पोज किया गया ब्रिटिश ने उसको भी इन लोग ने इस रिवॉल्ट में चलाया। फिर द ट्राइब्स वॉन्टेड टू कीप अवे, और वो नहीं चाहते थे कि इनके उसमें कोई इंटरफेरेंस करे और कोई डिस्प्यूट करे इनके ओरिजिनल लाइफ में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट नॉन ट्राइबल ऑफ छत्तीसगढ़ ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द इनिशियल रिवॉल्ट्स ऑफ द ट्राइबल पीपल। जो छत्तीसगढ़ के नॉन ट्राइबल पीपल थे उन लोग भी इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करने लगे, ताकि ट्राइबल पीपल को वो बचा सके, उनकी लाइफ को सेव कर सके। नाउ द मेजर रिवॉल्ट्स, द मेजर रिवॉल्ट, द फर्स्ट रिवॉल्ट इज द हलवा रिवॉल्ट। द हलवा रिवॉल्ट्स इन 1774 से 1779 बिगेन इन 1774 इन द लीडरशिप ऑफ अजमेर सिंह के हलबी ट्राइब्स और सोल्जर्स को उन्होंने सपोर्ट किया। सेकेंड परालकोट रिवॉल्यूशन मराठा और ब्रिटिश सोल्जर के अपोजिशन का रिजल्ट है परालकोट रिवॉल्यूशन, और इस रिवॉल्यूशन के लीडर थे जेंड सिंह। इस ग्रुप के लिए उन्होंने वो लीडर थे और उन्होंने अबूज मांडिस को बहुत ही सपोर्ट किया। द तारापुर रिवॉल्ट 1842 से 54 तक ये रिवॉल्ट चला। ये रिवॉल्ट लोकल दीवान्स ने मराठा और इंग्लिश रूलर के अपोजिशन में शुरू किया था और सोशियो इकोनॉमी और पॉलिटिकल एनार्ची को मेंटेन करने के लिए ये रिवॉल्ट शुरू किया गया था। द माड़िया रिवॉल्ट इन 1842 से 63 ये रिवॉल्ट अपोज द रूलर ऑफ गवर्नमेंट्स दैट हिट द ट्राइबल बिलीव्स। द कोई रिवॉल्ट 1852 भाई रामदेव उस समय बस्तर के रूलर थे और बस्तर के जमींदार टुक अ डिसीजन द फीलिंग ऑफ द टीक फॉरेस्ट विल नॉट बी अलाउड टू डिस्ट्रॉयड एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट मुड़िया रिवॉल्ट इन 1867 में गोपीनाथ कपारदास को बस्तर के दीवान अपॉइंट किए और उन्होंने एक्सप्लॉइट द ट्राइब्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। एंड द लास्ट वन इज भूमकाल रिवॉल्ट 1910। इन 1910 द भूमकाल रिवॉल्ट वॉज द मोस्ट एक्सटेंसिव रिवॉल्ट दैट टुक 46 आउट ऑफ 84 regimes into its account. The major reason were that tribes were constantly trying to preserve their forest resources and tribal culture. In 1908, when the protected forest area was declared and there was a restrictions on the exploitation of the forest resources, the tribal revolted against it. मतलब इसमें जो ट्राइबल हैं वो कॉन्स्टेंटली अपने फॉरेस्ट को और रिसोर्सेज को और ट्राइबल कल्चर को बनाने के लिए कंटिन्यू। द भूमकाल्स ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन यूनाइटिंग द ट्राइबल अगेंस्ट द टॉर्चर ऑफ द।
और 1908 में इन्होंने अपने फॉरेस्ट एरिया को डिक्लेयर कर दिया प्रोटेक्शन के लिए और रेस्ट्रिक्शंस भी कर दिया ताकि और इनके फॉरेस्ट को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। और ट्राइबल ने एक रिवॉल्ट इन्होंने बनाया और इसमें भूमकल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए ट्राइबल को टॉर्चर से बचाने के लिए इन्होंने पुलिस का हेल्प लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इफेक्ट ऑन एजुकेशन। हमारे इंडिया में एंशियंट एजुकेशन में संस्कृत अरेबिक फारसी और ग्रामर लिटरेचर एक्सेट्रा जैसे पहले पढ़ाए जाते थे। फिर स्कूल और मकतबास को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने लैंड दिया बट ब्रिटिशर्स ने वो ज़मीन छीन ली और न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया और फोर्ट विलियम्स कॉलेज कोलकाता और संस्कृत कॉलेज वाराणसी में उन्होंने बनवाया एंड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में और इंग्लिश और फार्मिंग ऑफ स्टूडेंट साइकोलॉजी को इम्पॉर्टेंट दिया उन्होंने और इसके लिए ही थॉट इंडियन हाउ द न्यू टेक्नोलॉजी फ्रीडम इक्वालिटी और डेमोक्रेसी के बारे में जाने और इट वॉज़ अ बून टू नेशनल एग्रीगेशन। नाउ कम टू एजुकेशन सिस्टम इन छत्तीसगढ़। अकॉर्डिंग टू मकौले एजुकेशन प्लानिंग इन 1864 अ मिडिल स्कूल वॉज स्टार्टेड इन रायपुर। रायपुर में एक मिडिल स्कूल स्टार्ट किया गया कब 1864 में जहां पे को एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया गया और आफ्टर 20 इयर्स के बाद वो एक हाई स्कूल बन गया और आज वो जय नारायण पांडे मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल के नाम से रायपुर में जाना जाता है। और इन 1882 में रायपुर में राजकुमार कॉलेज भी एस्टेब्लिश किया गया जहां पे इंडिया के किंग के जो प्रिंसेस लोग हैं प्रिंस और प्रिंसेस हैं वो पढ़ने जाते थे और उनका एग्ज़ामिनेशन दिल्ली के इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन ICE के थ्रू कंडक्ट किया जाने लगा और कॉमन पीपल छत्तीसगढ़ कॉलेज और फिर हायर एजुकेशन ऑफ कॉमन पीपल छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर में 1938 में भी इस्टेब्लिश किया गया। नाउ हाउ द डेवलपमेंट ऑफ प्रेस स्टार्टेड इन छत्तीसगढ़। इन इंडिया न्यूज़पेपर इन इंग्लिश बंगाली इन हिंदी वॉज पब्लिश्ड। मतलब सबसे पहले इंग्लिश हिंदी और बंगाली में जो न्यूज़पेपर इंडिया में पब्लिश्ड होने लगा। फिर विच हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन द इंडियन पीपल। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट वॉज इम्पोज्ड बाई वायसराय लिंटन इन 1878 एंड इट्स मेन एम वॉज टू कंट्रोल ओवर द न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर पहले थ्री लैंग्वेज में पब्लिश्ड होना इंडिया में शुरू हुआ और वो इंडिया के पीपल के लिए बहुत ही अच्छा छाप छोड़े और फिर सारा न्यूज़पेपर वर्नैकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू कंट्रोल होने लगा। और उस समय न्यूज़पेपर द हिंदू द इंडियन मिरर अमृता बाज़ार पत्रिका केसरी मराठा स्वदेश मिलन प्रभाकर और हिंदू प्रकाश एक्सेट्रा जैसे पब्लिश्ड होने लगे और इसमें विद दिस द पीपल वेयर अवेकेंड इन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन और इसके थ्रू पीपल हमारे इंडिया के छत्तीसगढ़ के जागरूक होने लगे। नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन छत्तीसगढ़। पंडित माधवराव सपेयर वॉज द फादर ऑफ जर्नलिज्म इन छत्तीसगढ़ इन 1900। जर्नलिज्म स्टार्टेड विद छत्तीसगढ़ मित्र बीइंग द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन छत्तीसगढ़ एंड वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम पेंड्रा। दैट मीन्स पंडित माधवराव सप्रे जो है वो जर्नलिज्म छत्तीसगढ़ के वो फादर थे और 1900 में जर्नलिज्म स्टार्ट हुआ एज अ छत्तीसगढ़ मित्र के नाम से और फर्स्ट न्यूज़पेपर छत्तीसगढ़ में पब्लिश्ड हुआ। वो कहाँ पे पब्लिश्ड हुआ पेंड्रा में 1889 से 90 के बीच। राजनांदगांव प्रोविंसेस ऑल्सो पब्लिश्ड अ न्यूज़पेपर विच वॉज नेम्ड एज प्रजा हिताशी। फिर राजनांदगांव में भी एक न्यूज़पेपर प्रजा हिताशी के नाम से पब्लिश्ड होना शुरू हुआ। अदर देन दिस हिंद केसरी छत्तीसगढ़ विकास उत्थान आलोक महाकौशल कांग्रेस पत्रिका आजकल छत्तीसगढ़ केसरी ये और भी इम्पोर्टेंट जो है ये सारे नाम के न्यूज़पेपर भी पब्लिश होना शुरू की हुआ। Through this newspaper, people were enlightened and had a better vision. और newspaper के through people लोग जो हैं जागरूक होने लगे उनको जानकारी होने लगी और उन्होंने अपना जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा इस newspaper के through उनको मिलने लगा और वो जागरूक होने लगे और उनका नज़रिया भी बदला।